Friends of 9th standard, today we will continue with the third chapter, that is India's internal challenge, page number 10. हम लोग ये चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. पहला है हेडिंग है अनरेस्ट पंजाब. अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. पंजाब में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम था अकाली दल. जैसे यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे पंजाब में एक पार्टी थी. 1973 की बात है ये, अकाली दल करके पार्टी था. इन 1973 अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. उन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, डिसीजन पास किया, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. फॉलोइंग डिमांड्स वे मेड इन दिस रेजोल्यूशन. उस डिसीजन में उन लोगों ने ये सब डिमांड रखा. क्या क्या डिमांड रखा? चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बना दो. पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेट ऑफ पंजाब. जितने भी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं सबको पंजाब में लेके आओ. रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड. जो पंजाब में लोग रह रहे हैं, पंजाबी लोग रह रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट बढ़ा दो इंडियन आर्मी में. उनको ज़्यादा ये दो, प्रेफरेंस दो. एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू स्टेट ऑफ पंजाब. पंजाब को अधिकार दो, इंडिपेंडेंस दो. अकाली दल बिकम टू द पावर इन पंजाब इन 1977. अकाली दल जो पावर में आया 1977 में. While taking charge, they asked for large share of river water for Punjab. हाँ, जब भी उन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने पंजाब के वाटर, पंजाब का जो रिवर है उसका पानी शेयरिंग के लिए बात की. तो होली सिटी स्टेटस अमृतसर अलॉन्ग विथ देयर ओल्ड डिमांड्स. और बहुत सारे डिमांड भी उन्होंने रखे. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मालूम पड़ रहा है कि अकाली दल जो था एक बहुत बड़ा पार्टी था. 1973 में अकाली दल ने कुछ डिमांड रखा, जिसमें पहला डिमांड था चंडीगढ़ शुड बी पार्ट ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट होना चाहिए. पंजाबी स्पीकिंग लोग पंजाब में रहने चाहिए. जो पंजाब के पब्लिक है उनको इंडियन आर्मी में ज़्यादा ये जॉब मिलना चाहिए. और पंजाब के मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. पंजाब को एक और अधिकार देना चाहिए. अकाली दल जो है पावर में आया 1977 में. वाइल टेकिंग चार्ज, जैसे उसने चार्ज लिया, उसने वाटर रिवर शेयर करने की बात की पंजाब के लिए. हाँ, जो अमृतसर में जो पानी बहता था होली सिटी, उसके शेयरिंग की बात की अलॉन्ग विथ ओल्ड डिमांड. ओल्ड डिमांड के साथ पुराना डिमांड तो रखा, साथ में पानी के शेयरिंग की भी बात की. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टू क्रूट इन पंजाब. ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोंगावाल. 1980 में इंडिपेंडेंस खालिस्तान, मतलब खालिस्तान का स्वतंत्रता, ऐसा मूवमेंट चालू हुआ, राइट? उस पीरियड में जो अकाली दल का लीडर था वो था संत हरचरण सिंह लोंगावाल. हाँ, ही यूज टू डायरेक्ट हिज एक्टिविटीज फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट. वो हड़ताल जो चालू किया गोल्डन टेम्पल से चालू किया उसने. ऑन द अदर साइड गोल्डन टेम्पल आर्म फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर संत जर्नल सिंह भिंडरवाले, राइट? उसी टाइम पे दूसरी साइड में क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल जो है, अदर साइड ऑफ गोल्डन टेम्पल, आर्म फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर संत जर्नल सिंह भिंडर. मतलब जो बोलते हैं ना आर्म फॉलोअर्स, आर्म फॉलोअर्स हथियार उथियार के लाख सब हथियार लेके सब फॉलोअर्स आने लगे. किसके सपोर्ट में? संत के सपोर्ट में. जो संत का नाम क्या था? जर्नल सिंह भिंडरवाले. During that period, terrorist activities had begun. Vanderwall was arrested in 1981. तभी उसी टाइम पे terrorist activities चालू हो गई और Vanderwall ने क्या किया, उनको अरेस्ट कर दिया पुलिस ने. Accused of the murder of newspaper editor लाला जगत नारायण. किसके केस में? लाला जगत नारायण के केस में, कि उसका हुआ, उसका अपराध था कि उसने उसको मारा है, लाला जगत राय को, रिपोर्टर को. संत ने रिपोर्टर को मारा है. After this incident, the situation worsened due to this development. President's rule was imposed in Punjab in 1983. मतलब वो संत गिरफ्तार होने के बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था. President rule लागू कर दिया 1983. President rule मतलब किसी भी पब्लिक को मार सकते हैं, पुलिस अरेस्ट कर सकती है. Vanderwale went to stay at a religious place called Akal Takht. Vanderwale को धीरे धीरे अपने धार्मिक जगह पे चला गया अकल तख्त पे. Vanderwale's followers captured the golden temple and built barcode of sandbags over there. जो Vanderwale के followers थे उन्होंने golden temple को कब्जा कर लिया और वहाँ पे sandbags रख दिया गोली चलाने के लिए, जो फौजी लोग रखते हैं. The area looked like a fort.
वो अभी मंदिर, एक मंदिर नहीं लग रहा, किला की तरह लग रहा था। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस ऑफ पंजाब, इससे पंजाब का पीस पूरा खत्म हो गया। इट वॉज ए मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था पंजाब का। अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी पैराग्राफ वापस रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो। 1980 में इंडिपेंडेंट खालिस्तान, खालिस्तान को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन, राष्ट्र सिटी चाहिए, ऐसा करके मूवमेंट चालू हुआ। उस टाइम पे जो लीडर था अकाली दल का वो था श्री हरचरण सिंह। उसने अपना जो एक्टिविटी है गोल्डन टेम्पल से चालू किया। हाँ, दूसरी साइड में गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल को आर्म फॉलोअर्स ने पूरा घेर लिया। हाँ, किसके लिए? खालिस्तान के सपोर्टर, जो खालिस्तान के सपोर्टर थे, खालिस्तान एक मूवमेंट होना चाहिए, इंडिया अलग से कंट्री होनी चाहिए, उसके सपोर्ट में, संत जरन सिंह भिंडरवाले के सपोर्ट में सब लोगों ने पूरा किया, घेर लिया हथियार लेकर के गोल्डन टेम्पल को। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी चालू हो गई। भिंडर वालों को अरेस्ट किया 1981 में, राइट, मर्डर के केस में, न्यूज़पेपर एडिटर के मर्डर के केस में। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन एकदम खराब हो गया और प्रेसिडेंट रूल चालू हो गया 1983 में। भिंडर वॉल जो है अपनी अपने धार्मिक स्थल पर चला गया अकल तख्त। भिंडर वाले के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर सैंड बैग्स रख के बैरिकेड बना लिया, फायरिंग करने के लिए। ये इससे क्या हुआ, पंजाब का जो शांति थी पूरी पूरी तरह भंग हो गया। इट वॉज मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर गोल्ड जनरल कुलदीप सिंह ब्रार। मतलब उस टेररिस्ट लोगों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने का काम मेजर जनरल को दिया गया, जिसका नाम क्या था, कुलदीप सिंह ब्रार। कुलदीप सिंह ब्रार को काम दिया गया कि गोल्डन टेम्पल से टेररिस्ट लोगों को निकालो, क्योंकि टेररिस्ट लोग जो कहाँ चले गए थे, गोल्डन टेम्पल में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, 3 जून 1984 की सुबह में मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड, ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ। द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, ऑपरेशन कभी ख़त्म हुआ, 6 जून को, 3 दिन कंटिन्यू चालू रहेगा फायरिंग। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रेसिस्टेंस, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। द ऑपरेशन एंडेड विद डेथ ऑफ भिंडरवाल एंड अदर टेररिस्ट, भिंडरवाल जो था जो वहाँ पे रुका था, और टेररिस्ट जितने भी टेररिस्ट सब लोग मारे गए। हाँ, इन 1986 ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल। 1986 में जो गोल्डन टेम्पल के, गोल्डन टेररिस्ट के अगेंस्ट में, जो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में थे उनके अगेंस्ट में लड़ाई चालू हुई। हाँ, इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक थंडर, उसका नाम क्या दिया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। उस भिंडर वालों को मारने के बाद भी बहुत सारे टेररिस्ट थे गोल्डन टेम्पल में, उन लोगों को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक स्टार चालू किया। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोमेंटम, इससे क्या हुआ, पंजाब में शांति आ गई, सब नॉर्मल हो गया। वापस से पढ़ा तो, हाँ, जो गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट लोग चले गए थे भिंडरवाल के साथ, उनका तो इसको, उन टेररिस्ट लोग को बाहर निकालने का काम मेजर जनरल कुलदीप सिंह को दिया गया। 3 जून 1984 को उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया और 6 जून को ख़त्म किया। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, राइट, ऑपरेशन जो है भिंडरवाल और टेररिस्ट के डेथ के बाद ख़त्म हुआ। 1986 में वापस ऑपरेशन हुआ टेररिस्ट के अगेंस्ट में गोल्डन टेम्पल में, उसको ऑपरेशन ब्लैक स्टार दिया। इस एक्शन के बाद प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब टेक द मोमेंटम, इससे पंजाब में शांति छा गई। इज दिस क्लियर? इसमें डू यू नो में कुछ दिया है, मिलिट्री एक्सपेक्टेशन टेकन अप विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। मतलब कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है ना, किसी भी टारगेट को खत्म करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन ऑपरेशन अंडरटेकिंग टू इविक द टेररिस्ट हाइडिंग इन द गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस लिए किया गया था, गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट छिपे थे उनको बाहर निकालने के लिए। इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट्स, यू हैव टू, स्टूडेंट यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिमांड्स आर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय अकाली दल, कौन सा डिमांड आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में रखा गया, तो इसका आंसर आप लोग दे। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रेजोल्यूशन, चंडीगढ़ शुड बी मेड इन पार्ट ऑफ पंजाब, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेट ऑफ पंजाब, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड, फोर्थ पॉइंट, मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू स्टेट ऑफ पंजाब। वापस रिपीट करो, द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन द रेजोल्यूशन, चंडीगढ़ शुड बी मेड इन पार्ट ऑफ पंजाब, फर्स्ट पॉइंट, पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन द अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेट ऑफ पंजाब, सेकेंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम पंजाब इन इंडियन आर्मी शुड बी हैज इंक्रीज, थर्ड पॉइंट, एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू स्टेट ऑफ पंजाब। दिस विल बी द ऑल पॉइंट्स। हाँ।
फ्रॉम चंडीगढ़ से लेके पंजाब तक आपका पूरा पॉइंट्स होगा, टोटल 4 पॉइंट्स आ गए। ओके नेक्स्ट इज आपको ये आंसर भी मिल जाएगा थर्ड का फर्स्ट, इट बिकम नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार लाना बहुत जरूरी था। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार। हाँ फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जो मेन काम था टेररिस्टों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना वो काम मेजर कुलदीप सिंह को दिया गया। ऑन द मॉर्निंग 3rd June 1994 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। बस यहाँ से आते 3 पॉइंट में आंसर देना, 2 पॉइंट में आंसर देना। पहला पॉइंट द मेन से लेके सिंह ब्रार तक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑन द से लेके 6 जून तक। फर्स्ट पॉइंट द मेन से लेके ब्रार तक, सेकेंड पॉइंट ऑन से लेके 6 जून तक। ओके दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। टू राइट द फुल फॉर्म MNF, MNF का फुल फॉर्म क्या होता है देखो यहाँ पे, मिजो नेशनल फ्रंट, दिस विल बी द फुल फॉर्म ऑफ MNF, मिजो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NNC, नागा नेशनल काउंसिल इज द फुल फॉर्म ऑफ NNC, नागा नेशनल काउंसिल इज द फुल फॉर्म ऑफ NNC। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLGA, द आंसर विल बी देयर, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी इज द फुल फॉर्म ऑफ PLGA। ओके स्टूडेंट फॉर टूडेज होमवर्क यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फर्स्ट आंसर, देन क्वेश्चन नंबर 3rd का 1st, सेकेंड क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट, एंड दिस 3 फुल फॉर्म्स। ओके 1 question, 1st का 1st, 3rd का 1st, एंड दिस 3 फुल फॉर्म यू हैव टू राइट एंड मेमोराइज। ओके इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।